राधे राधे सबको। त्योहार शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट त्योहार आ रहा है रक्षाबंधन, तो आप सब उसके लिए भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी तैयारी मैं भी कर रही हूँ। तो आज कुछ मीठा बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। ये हमने पैन ले लिया, इसमें हम 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ नारियल, ये नारियल का चूरा है, नारियल पाउडर। इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे हिलाएंगे लगातार। तो हमने देसी घी बहुत कम डाला है इसमें, क्योंकि जो नारियल है उसमें वैसे शुरू खुद खुद ही ऑयल होता है इसमें, तो ये भी ऑयल छोड़ेगा अपना। अब हमने नारियल को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्के हाथों से हमें इसे लगातार चलाना है, जब तक इसमें नारियल की खुशबू ना शुरू हो जाए। नारियल के लड्डू सबको बहुत पसंद होते हैं, बनते भी बहुत जल्दी हैं, खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो हम हल्के हाथों से जल्दी जल्दी, हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है इसे, ये ऑफ वाइट कलर का था पहले, पिंकिश हो गया। बस इससे ज़्यादा हमें इसमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और ऑयल भी छोड़ा है इसने, काफी सॉफ्ट हो गया है मटेरियल। हमने 1 बाउल लिया था नारियल का, और इसमें हमने 1/2 बाउल डालना है चीनी का, तो इसे लगातार चलाना है हमने, चीनी मेल्ट हो जाए। रुकना नहीं है, लगातार ही इसे अच्छे से चलाना है, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट तो ही आएगा, हम लगातार इसे चलाएंगे, जिससे नारियल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो जो लड्डू बनेंगे हमारे बहुत नरम और मुलायम अच्छे चीज़ बनेगी। तो इसे लगातार चलाना है, बस 10 मिनट का प्रोसेस है ये। चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, अब ये इकट्ठा होने लग गया है नारियल का। मैं हल्का सा इसमें कलर ऐड करूंगी, वन पिंच ओनली। अब इसे लगातार हम हिलाएंगे, अभी भी कहीं कहीं चीनी है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट बने। चीनी हमारी कितनी अच्छे से मेल्ट हुई है, बिल्कुल है मिक्स हो गया बिल्कुल सारा। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। 1 बाउल हमने लिया था नारियल का चूरा, अब 1/2 बाउल हमने डालना है मिल्क पाउडर। चीनी भी हमने डाली थी 1/2 बाउल। इसे हम लगातार चलाएंगे। सूखा दूध डालने से इसमें जो टेस्ट आएगा वो आएगा जैसे हमने मावा डाला हो, वही टेस्ट आएगा। और देखो हमने 1 सर्विंग स्पून चम्मच घी का डाला था, और कितने अच्छे से ये इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि नारियल में पहले से ऑयल है। इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, बस यही ट्रिक है कि अपना हाथ जो है वो रुकना नहीं चाहिए, हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, जो हमने मिल्क पाउडर डाला वो अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हमारा मटेरियल अच्छे से इकट्ठा हो जाए,
ताकि हम लड्डू बना पाएं, उसके लिए क्या करना है, हमें लगातार अपने हाथों को चलाते रहना है। वो देखो कलर कितना अच्छा आया, मैंने फूड कलर डाला था, उसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, अब इसे लगातार हम चलाएंगे। दूध सूखने तक, दूध हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है ताकि जल्दी से सूख जाए। अब इसे लगातार चलाएंगे हम, ये इकट्ठा हो जाएगा। देखिए दूध हमारा मिक्स हो रहा है। दूध हमेशा थोड़ा कम ही डालना चाहिए ताकि मिक्सचर हमारा जल्दी से इकट्ठा हो जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखो हमारा नारियल का जो पाउडर था, नारियल पाउडर, वो भी मिक्स हो गया। हमारा सूखा दूध जो लिया था हमने, मिल्क पाउडर, वो भी मिक्स हो गया। चीनी भी मिक्स हो गई है हमारी। ये अच्छा सॉलिड सा डो भी तैयार हो जाएगा हमारा, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे छोटे छोटे। जितना हम इसे लगातार चलाएंगे, हमारे जो लड्डू बनने हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट, खस्ता, नरम, मुलायम, हलवाई स्टाइल के ही बनेंगे। बस हाथ को लगातार हमने इस तरह से चलाना है। बस अब इकट्ठा होने वाला है, हमारा मटेरियल मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसे किसी बर्तन में निकालते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। थोड़ा सा ठंडा करना है हमने, गुनगुना रखना है, क्योंकि लड्डू फिर तो ही बनेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा मटेरियल को फैला देते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमने, थोड़ा सा तेज गुनगुना हमने रखना है। अभी काफ़ी गर्म है तो इसे अब छोड़ते हैं। ये मैंने थोड़ा सा सूखा नारियल रखा था, हमारा मटेरियल हो चुका है गुनगुना। तो अब इसके हम इस तरह से लड्डू बनाएंगे, ये इस तरह से नरम हाथों से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, तलियों की सहायता से ये देखिए, मैंने तो घी बहुत कम डाला था, पर कितनी शाइन है, क्योंकि कोकोनट में ऑयल होता है तो घी हमें थोड़ा कम ही डालना पड़ता है। ये हमारे इस तरह से, अब हमने क्या करना है इसको, ये नारियल का जो रखा हुआ था हमने, नारियल के लड्डू इस तरह से हमने सारे बना लेने जल्दी जल्दी। इस तरह से लेडीज को तो इस तरह से काफी ट्रिक होती है। जो हम चपाती बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक लोई बनाते हैं, वो गोल गोल ही बनाते हैं, है ना। तो लेडीज तो बहुत फास्ट है इन सब कामों में। ये देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, इस तरह से जल्दी जल्दी सारे, ताकि हमारा मटेरियल ठंडा ना हो जाए। अगर इस तरह से हम करते हैं लगातार तो बिल्कुल ही गोल गोल अच्छे अच्छे सारे लड्डू तैयार होंगे हमारे। ये हमारे नारियल के लड्डू तैयार। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो वाइट कलर के, जैसे नारियल का कलर होता है उस तरह से भी बना सकते हैं। तो हमारा आज की रेसिपी
तैयार। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।